अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फैसला आया, उस फैसले को कहाँ तक सही मानते हैं और क्या सही है हमारे बीच में जावेद रजा जी, जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व महासचिव हैं। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो क्या फैसला दिया है और किस संदर्भ में दिया है। जैसा कि ज्ञात होगा कि जनता दल का मामला जो था, जिसमें 16 जुलाई को पिछले साल की घटना है, जब नीतीश कुमार जो थे NDA में चले गए थे और उस वक्त हम लोग उनसे अलग हुए थे जी। उसके बाद भी ये घटनाक्रम शुरू हुआ था और जिसमें ये था कि दो गुटों ने, एक शरद गुट था और एक नीतीश गुट, ये हम लोगों ने क्लेम किया था कि असली जनता दल हम लोग हैं जी। इलेक्शन कमिश्नर ने, आपने डाला कि जो मेन जो जनता दल यूनाइटेड का जो उसका है, उसका जो शरद यादव जी जी, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जो है हमारे विपरीत अपना निर्णय दिया। उस निर्णय को हम लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था जी। दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज होने के बाद वो मामला पेंडिंग में है। उसी के आधार पे माननीय चेयरमैन जो है सभापति राज्यसभा ने शरद जी की जो राज्यसभा की सदस्यता थी उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया था जी। ठीक है, उसकी सदस्यता को रद्द होने के बाद बाद में ये हुआ कि उनकी तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से एक याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में जी। और कहा जाता है चूंकि शरद यादव अब राज्यसभा के मेंबर नहीं है जी। और उनका इस मकान में इंटाइटलमेंट नहीं है, इसलिए मकान इनसे खाली करवाया जाए। वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपने फैसले में ये कहा है कि शरद यादव जी जो हैं, जो सैलरी और भत्ता जो लेते हैं, जब तक केस चल रहा है तब तक वो उस भत्ते को नहीं लेंगे, और जो मकान जिसमें रह रहे हैं 7 नंबर तुगलक रोड में, वो उसमें रहते रहेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हम उसका स्वागत करते हैं। सर, इस तरीके का फैसला, आगामी योजना क्या रहेगी? ये तो जो इस समय नीतीश जी हैं वो NDA में मिल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुके हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिलता जुलता होता है? जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, वही सुप्रीम कोर्ट करता है, तो आगामी योजना क्या रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहरहाल वो जो आप कह रहे हैं उसमें किसी हद तक की सत्यता भी हो सकती है, लेकिन चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन जो 10th शेड्यूल का मामला है उसको शरद यादव कवर नहीं करते हैं। शरद यादव जी को तो एक साजिश के तहत राज्यसभा की सदस्यता से हटाया गया है, क्योंकि शरद यादव जी ने हमेशा हाउस के अंदर पिछड़े लोगों के लिए, दबे लोगों के लिए, कुचले लोगों के, किसानों की, मजलूमों की आवाज़ को उठाने का काम किया था। वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शरद यादव जैसा नेता यहाँ सदन में भी उठाता है, सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ता है, तो वो उन लोगों को आंखों में खटक रहा था, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की गई है और वो ऑलरेडी चैलेंज है। और मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल शरद यादव की सदस्यता को बहाल किया जाएगा, ये मेरा दावा है। सर, सुप्रीम कोर्ट और BJP है, जैसे आपने बताया है कि एक साई होता है, तो ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 2019 का जो चुनाव आ रहा है कि शरद यादव जी कोई उसके अंदर अलग मतलब एक मूवमेंट ना छेड़ दें जिससे कि आम जनता के अंदर इसका एक अलग से पहलू बन जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर देश में विपक्षी एकता का कोई बांधने का काम कर सकता है, और वो ऑलरेडी शरद यादव जी कर रहे हैं और वो आगे भी करें, मैं आपको बता दूँ आने वाले दिनों में शरद यादव का पूरे देश में दौरे का कार्यक्रम लग रहा है, और वो विशेष तौर से बिहार और अभी 3 राज्यों में जो उनकी बड़ी सभाएं होने जा रही हैं उसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। रजा साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब चुनाव हार जाते हैं तो EVM में कमी बता देते हैं और फिर 2-4 महीने शोर शराबा होता है, फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन अब 2019 का जो चुनाव आ रहा है तो उसमें आपकी पार्टी और आपके पदाधिकारी क्या EVM को लाइक करेंगे या बैलेट पेपर को लाइक करेंगे? नहीं, इससे पहले भी हम लोगों का ये था, राय दी है माननीय इलेक्शन चुनाव आयोग को जी, कि बजाय इसके कि इसके ऊपर इतनी सारी शंकाएं जाहिर की गई हैं EVM के ऊपर, तो बेहतर तो ये होगा इसको बैलेट से 2019 का चुनाव कराया जाए। अभी जो कैराना का चुनाव जिस तबस्सुम हसन ने जीता है चुनाव, उन्होंने खुद कहा है कि ये अगर बैलेट पेपर से अगर ये चुनाव होता तो मार्जिन और कहीं ज़्यादा होता।
लेकिन सर पहले तो आप लोग शोर मचाते थे कि मशीन के अंदर गड़बड़ है, मशीन के अंदर जो नेता हैं, लेकिन अब तो वही बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि ईवीएम को लू लग गई है। लू का शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने। नहीं देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ईवीएम में कहीं ना कहीं टेम्परिंग है, और ये बात आने वाले एक दो महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये SLP फाइल की जाएगी, और उस पर ऑलरेडी वहाँ पे कुछ सीनियर एडवोकेट जो उस पर वर्क कर रहे हैं, और जब वर्क पूरा हो जाएगा सबूत हैं उसके, उसको कैसे हैक किया जा सकता है, कैसे टेम्पर किया जा सकता है उस मशीन को, ये ऑलरेडी चल रहा है, रिसर्च हो रही है। और मैं समझता हूँ कि 2019 के चुनाव जो हैं बैलेट्स होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर कोरोना के अंदर चुनाव चल रहा है आचार संहिता के तहत, वहाँ पर 9 किलोमीटर मात्र 9 किलोमीटर रोड का उद्घाटन करने जाते हैं, और पहले ही देखा गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो शुरू से ही एक चुनावी भाषा बोलते हैं, और वो चुनाव के ही लिए उतरे हैं, ना कि प्रधानमंत्री हैं। शायद प्रधानमंत्री तो विदेशों के हैं शायद। देखिए मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना जो है कि देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है वो मोदी जी ने ख़त्म कर दी है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो इस तरीके के अपनी भाषा का शैली का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो जब से होश संभाला है प्रधानमंत्री को देखा है, एक तो देश का प्रधानमंत्री कभी कभी बोलता है और वो अच्छा बोलता है, और ये जिस तरीके से हमारे मोदी साहब छाती पीट पीट के जो हैं कहते हैं और हाथ तो चला चला के कहते हैं, हमने भी इंदिरा गांधी को एज ए प्रधानमंत्री इस देश का देखा है, मुरारजी भाई को देखा है, और लोगों को VP सिंह साहब को देखा है, HD वेगोड़ा, AK गुजराल, चंद्रशेखर जी, इन सबको प्रधानमंत्री के रूप में देखो, लेकिन इस तरीके का प्रधानमंत्री हमने अपने जीवन में पहली मर्तबा देखा है। तो सर आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? नहीं, हम लोग विपक्ष को एक करके एक बड़ा गठबंधन बनेगा राष्ट्रीय स्तर पे, और मैं समझता हूँ उसके लिए शरद यादव जी प्रयास कर रहे हैं, और चुनाव होगा और बहुत मजबूती के साथ, और BJP को हम लोग सत्ता से हटाने का पूरा प्रयास करेंगे।